हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तुबा हॉस्पिटैलिटी। हमारे तुबा हॉस्पिटैलिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड पे मैंने आपको बताया था कि बरिस्ता के बारे में, बरिस्ता की प्रोफाइल क्या होती है और कॉफ़ी बीन्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, किस किस तरह की क्वालिटी होती है और एनिमीज़ क्या होती है कॉफ़ी बीन्स के, शेल्फ लाइफ क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मेरा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली न्यू जॉब सीकर्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं गल्फ़ जाने की। हम लोग तैयारी करवाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और आपको नॉलेज के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है यूट्यूब का। यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो नो वरी अबाउट दैट, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप रिटेल से अपना सेक्टर, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी से भी आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना है, आपको अपनी इंग्लिश पर ध्यान देना है, क्योंकि मेक श्योर इंडिया के अलावा कहीं भी हिंदी नहीं चलती है। जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर आप सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर, बहरीन, तो वहाँ पर मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग रहते हैं जिनको हिंदी नहीं आती। आप उनको कैसे कन्विंस कर पाओगे? अगर आप कहीं किसी रिटेल स्टोर पर काम कर रहे हो, कुछ फॉरनर आया आपके पास, उसकी अलग लैंग्वेज है, एक इंग्लिश ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप उसमें आसानी से किसी भी कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो कि वो क्या मांग रहा है, उसकी क्या कंप्लेंट है। तो मेक श्योर विदेश जाने पहले आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। अगर आप अपना हॉस्पिटैलिटी में कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, QSR से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके वो कम्युनिकेशन पे अपना ध्यान देना है। आप रिटेल में सऊदी के अंदर ओमान, बहरीन, काफ़ी सारी मुख्तलिफ से सुपर मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर कई रिटेल सेक्टर में अपना जॉब, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा QSR है, QSR इंडस्ट्री में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास अगर हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट का कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग फ्रेशर को भी हायर करते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि आप गल्फ़ के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप अलशाया है, उसके अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं। इसके अलावा अमेरिकाना फूड ग्रुप है, इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, डंकिन डोनट्स हैं, बास्किन रॉबिन्स है, और आपका डंकिन डोनट्स के अलावा बास्किन रॉबिन है, आपका बर्न कैफ़े है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें 10th 12th पास बंदों की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप 10th पास भी हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तब भी आप आसानी से जॉब पा सकते हैं गल्फ कंट्रीज़ में और आप अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं। आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है, अगर आप 10th 12th हैं, आपने कहीं भी काम नहीं किया है, तो आपकी सैलरी 1200 रियाल से 1500 रियाल तक लगने वाली है। इसके अलावा 2-3 घंटे का पोटी करेंगे, इंसेंटिव आएगा, बोनस, कहीं सर्विस चार्ज मिलता है, कहीं बोनस रहता है, कहीं इंसेंटिव रहता है, तो आप आसानी से महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये सेव कर सकते हो। आप खा पी के घर, अपने घर पर हर महीने 30 से 40 45 हज़ार तक भेज सकते हो। लड़के भेज रहे हैं जो हमारे थ्रू कैंडिडेट्स गए हुए हैं, वो अच्छा खासा पैसा सेव कर लेते हैं, भेज भी सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आने से पहले आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको आना है, मेक श्योर सबसे पहले आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, आपको एक नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए जिसमें आप कन्विंस कर सको, सामने वाले को बता सको, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सको। और दूसरी चीज़ कि आपका CV बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल लुक में। इसमें आपका ऑब्जेक्ट, आपके बारे में जो जहाँ पर आपने काम किया है, आपकी क्वालिफिकेशन, एक CV बहुत अच्छा प्रोफेशनल होना लगना चाहिए कि आपने कहीं जहाँ भी काम किया है तो उसका पूरा एक्सपीरियंस, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सीक्वेंस में वन बाय वन। उसके अलावा इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, उसके आंसर आपको देना है ताकि सामने वाला अच्छे से इंप्रेस हो सके। इंट्रोडक्शन आपको बढ़िया से देना है। इसके अलावा जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अच्छे से बतानी है, आपको जो भी आपके टास्क थे प्रीवियस कंपनी में। इसके अलावा इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी, इसका आपको वैलिड रीज़न देना चाहिए। इंटरव्यूअर पूछता है कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी निकालनी है, चाहे वो आप गूगल से निकालो, चाहे आप किसी अपने कलीग से लो, तो थोड़ा कब उस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट था, क्या ग्रोथ है, कितना स्टाफिंग है उनकी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर वो पूछता है कि हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आपकी कंपनी का मैंने फीडबैक देखा बहुत अच्छा है, मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो आपकी कंपनी का पार्ट हैं, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। दूसरी बात कहना, मैंने गूगल पर सर्च किया, जो लड़के आपके एम्प्लॉई हैं, जो अब एम्प्लॉई हैं वहाँ के, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो मुझे बहुत कुछ, सब कुछ पॉजिटिव वे में मिला, इसलिए आपकी कंपनी का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप गल्फ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको होना चाहिए कि आप बहुत हार्ड वर्किंग होने चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है QSR के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ती है, हार्ड वर्किंग, आपको ओवर टाइम अगर कंपनी करवा रही तो आपको करना ही करना है। आपने ये नहीं कहना है कि मैं 8 आवर्स की शिफ्ट करूँगा, 4 आवर्स का OT मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी शिफ्ट करूँगा चला जाऊँगा। कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर
डे ऑफ भी कैंसिल हो जाते हैं, जैसे वहाँ पर फ्राइडे और सैटरडे को वहाँ पर वीकेंड होता है, इस दिन जिस दिन ज़्यादा काम होता है, कभी कभी वहाँ पर वीक ऑफ है आपका तो उसको भी कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि काम ज़्यादा रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपने वीक ऑफ वाले दिन काम करोगे तो कंपनी आपको उसका ओटी देगी, कुछ एक्स्ट्रा ओटी देगी। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं कैरियर, हमसे जुड़िए, हम आपको बेहतर सजेशन देंगे। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस डाल रहा हूँ और मेरे पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, पिछले लास्ट वीक कुछ भाइयों ने मुझसे व्हाट्सअप पे मुझसे कुछ सवाल किए हैं, उनके जवाब मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा कि वो गल्फ में किस तरह से जॉब पा सकते हैं, किस किस तरह की जॉब कर सकते हैं, अगर कैफे चैन में जा रहे हैं तो आपके पास किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या आपको ट्रेडिंग या डिप्लोमा किसी अकेडमी से लिया है तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, ये कल के वीडियो में आपको पूरा करूंगा। अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल यूट्यूब को, हमारा क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, हम आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 200 तक बचाइए। थैंक यू।